हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। अर्ली मॉर्निंग आज हम निकल गए हैं एक लंबे सफ़र पे। काफ़ी लंबा जो है हमें जर्नी तय करनी है आज। और अब तो टाइम थोड़ा सा हो गया है, सनराइज़ हो गया है, देखिए अच्छे से सूरज ऊपर आ चुका है। वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, बाद में शुरू किया है। तो कुछ काम से जा रहे हैं आज काफ़ी दूर, तो सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ा सा सफ़र शेयर किया जाए। अब हम पहुंच गए हैं हरियाणा। तो काफ़ी सफ़र हम तय कर चुके हैं, लेकिन सुबह का टाइम ऐसा होता है पता नहीं लगता। अगर यही हम दिन में करते ना तो बहुत टाइम जाता है। तो लंबा तो काफ़ी आज जाना है, कुछ काम है तो बस काम से जाना भी पड़ता है और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन वही है, कहीं जाएं तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, लेकिन ऐसा है नहीं, बस आना जाना होने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? यहाँ आवाज़ आएगी तो जैसे कि आपको पता ही है, बाहर आए हैं और हम आए हैं पंजाब साइड, काम से आए हैं तो यहाँ पे रुके थे, रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया है। तो अब निकलेंगे, करीब अभी हमें लगेगा डेढ़ या दो घंटा लग सकता है, डेढ़ घंटा तो इतना टाइम लगने वाला है। और मौसम अच्छा है, यहाँ पे तो अच्छी धूप निकली है, लेकिन सुबह से बात हुई घर पे धूप नहीं निकल रही है हरिद्वार में आज। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। गुड मॉर्निंग, क्या टाइम हमारा? अभी तो 10 बजे, 10-10 हो गए। 10 बजे गुड मॉर्निंग, और हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, चाय वगैरह ही लेके निकले थे घर से। तो बस अब जाके जो है हमारा हुआ है तंदूरी पराठा, ब्रेकफास्ट में खाया है बटर तंदूरी पराठा और चाय। भाई मेरी तो फेवरेट चाय ही है, और इनको भी जुकाम हो रखा है तो इन्होंने भी चाय ली है। तो ये हुआ हमारा खाना पीना, मतलब ब्रेकफास्ट। लंच का कुछ भी अता पता नहीं है, होगा कब होगा नहीं होगा, क्योंकि अब सीधा चलेंगे और जो काम है वो देखेंगे, फिर देखते हैं जैसे भी हैं। तो जी चलिए, बस जो है जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। हाईवे है और जो है अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव पे बोलूँ या लॉन्ग रूट पे बोलूँ हम निकले आज। और इतना लॉन्ग तो हम कब गए थे, सर्दियों में जब घूमने गए थे शिमला तब गए थे, नहीं तो उसके बाद कोई ऐसा ज़्यादा होता नहीं है। तो पूरा दिन ये नहीं पता कि कैसे आज जाने वाला है, कैसे नहीं, किस टाइम तक हम रात में घर पहुंचेंगे, वो तो खैर आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन देरी हो। और आज हवा चल रही है बहुत तेज़, 3 दिन से हवा चल रही है पूरी, कल परसों और आज भी इतनी हवा चल रही है। घर पे सब लोग, बच्चे, पापा, तो ये सब लोग घर पे हैं, श्रेय घर पे है और अंच गया है अपने स्कूल। आज कुछ टाइम के लिए जाना था उसको, उसकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, कल कोई फंक्शन है उसके लिए। शॉप रहेगी आज बंद और बस फिर कल देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे जैसे जैसे होता है। Thank you.
अभी दिन छिपा है, अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो अब हमारा काम हुआ है कंप्लीट। अब निकलते हैं, अब से लगेंगे करीब 5 घंटे हमें जाने में। तो बीच में कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, इतना बिजी हो गई थी, लेकिन जिस काम से आए थे बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया। और अब हमने खाना भी खा लिया है, एक बार फिर आराम से चलेंगे, क्योंकि बीच में हमने फ्रूट वगैरह लिया था, लंच नहीं किया था, तो बस एक बार अब जल्दी खाना खा लिया। अब हम चलते हैं और रात को कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी। देखिए अंधेरा शुरू हो गया होना, मतलब हो ही गया है अंधेरा, और जो अंधेरा है अब 6 बजे हो जाता है, तो 6 शायद बजने वाले होंगे या फिर बज गए, इतना टाइम हो रहा है। रात को आए थे हम करीब 10:30-11 बजे, और पूरे घर में जो है बर्तनों की चहल पहल पूरी हो रखी थी, किचन भरी हुई थी। तो मैं रास्ते में काफ़ी सो गई थी, तो मुझे थोड़ा सा आराम लग रहा था कि 10:30 भले ही बज रहे हों, 11 बज रहे हों, पर मैंने रात को आके सारे बर्तन वगैरह अपने कर लिए थे, और तभी जाके मैं रात के 1 बजे सोई थी। तो उससे क्या हुआ, सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। एक तो ये है कि पूरे दिन के सफ़र के सुबह इतनी जल्दी मैं नहीं उठ पाती, तो रात को मैं सारा काम ख़त्म करके किचन अपनी क्लीन करके आके सोई थी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था कुछ भी। और ये क्लिप आप देख रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी। तो इसीलिए बनाया था, मतलब किया था काम, बनाया था बोल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नींद मेरी हो चुकी थी, तो इतना थकान नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि ये काम मुझे सुबह उठ के ना बिल्कुल भी सोने नहीं देगा और मैं उठ नहीं पाऊँगी। तो अपना पूरा किचन क्लीन किया, बच्चों ने सारा जो है फैला के तो रखा हुआ था, बर्तन मैंने बोल दिया था कि इकट्ठे करते रहना, तो वो सारे बर्तन वगैरह मैंने कर लिए थे। तो आज पहली बार मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, हालाँकि पत्ता गोभी हमेशा रहती है घर में रैबिट के लिए, लेकिन अब मैंने सोचा रैबिट तो खाते ही हैं, अब सीज़न आ रहा है थोड़ा सा, तो आज मैं बनाती हूँ पत्ता गोभी। तो ये फटाफट से मैंने कर ली है कट, और पत्ता गोभी मैं इसी तरीके से करती हूँ, और चाय मैंने इधर चढ़ा के रखी हुई थी। पूजा वगैरह हो गई है, नाना धोना हो गया है, और अब मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले चाय पी लेते हैं, और सब्ज़ी मैंने कट करके रखी थी, बस आलू कट करने हैं, टमाटर वगैरह वो मैं बाद में कर लूँगी। तो सर्दी थोड़ी सी ना शुरू हो गई है, अगर रात को मैं काम ना करती तो इस टाइम मेरी क्या हालत होनी थी, अभी तक में मुझे नाना ना मिलता और पूजा नहीं टाइम से होती। तो बस अब चाय छान लेते हैं और फिर बैठ के आराम से पियेंगे चाय। आज अंश स्कूल में नहीं गया है, अंश की तबीयत ख़राब, जुकाम नज़ला इतना हो रखा है कि बस पूछिए मत। श्रेय जा चुका है, उसका मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया सुबह जल्दी, तो उसको मैंने जो है लंच बना के पहले ही दे दिया था, और बस आज मैंने बनाई है श्रेय अंश के लिए भी चाय, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा है तो स्कूल नहीं जा पाया, और इनके लिए अपने लिए, तो आराम से बैठ के अब पहले पीते हैं चाय। आराम तो किसका, सब्जी बनानी है, देर हो रही है, इनको ऑफिस जाना है। आज मैं शॉप पे तो थोड़ा लेट ही जाऊँगी, क्योंकि आज अंश है तो ये थोड़ी देर के लिए तो खोल ही लेगा, हालांकि तबीयत ख़राब है, लेकिन वो है स्कूल में नहीं जा सकता था, जुकाम वगैरह में नहीं जाना नहीं चाहिए स्कूल में, नाक वगैरह बंद रहती है, तो धूप हो जाएगी अच्छे से, और तब देर से जाके थोड़ी देर के लिए खोल लेगा, और मैं फिर बाद में चली जाऊंगी। जाना तो मुझे डेली ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन कल का काम थोड़ा सा फैल जाता है ना, एक दिन भी हम कहीं घर से निकल जाएं तो अगले दिन काम समेटना मुश्किल हो जाता है, कपड़े वगैरह भी बहुत सारे हो रखे हैं, तो बस ये काम मैं निपटाऊँगी। आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और कुकर में मैंने सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है धुआं निकलने तक, फिर थोड़ा सा उसको ठंडा भी कर लेती हूँ। जीरा हींग डाल दिया है, और फिर ऐड कर दिया साथ के साथ इसमें लहसुन और प्याज। लहसुन हमेशा फ्रेश ही मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों में, और सर्दियों में लहसुन चलता है, सूखी सब्जी में भी चलता है, साग वगैरह में तो होता ही है। तो यहाँ पर हल्का सा हमारा जो है प्याज गोल्डन हो गया है, अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर, तो ये सब कुछ मैं इसमें डाल दूँगी। सिंपल तरीके से ही पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, हालांकि मटर भी डाले जाते हैं, मैं मटर भी डालती हूँ, लेकिन आज मटर नहीं है, टमाटर हरी मिर्च कट करके रख लिया था, रफली किया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है या फिर पेस्ट भी नहीं यूज़ करना है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और बस सॉल्ट ऐड कर दूँगी टेस्ट के हिसाब से, जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, और ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लेते हैं।
तो अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए, कुछ और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, बस सब्जी का है। तो ये देखिए टमाटर का कितना अच्छा पेस्ट सा बन गया है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल इसको महीन ही करना है, बारीक करना है। और बस ये पत्ता गोभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और आलू भी मैंने कट करके रख लिए थे तो वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मटर इस टाइम पे मैं डालती हूँ, लेकिन आज नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं। और पहली बार बन रही है ना, तो टेस्टी बनने वाली है। एक सब्जी को हम जल्दी जल्दी बनाते हैं तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता, कभी कभी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और टेस्ट भी आता है। तो अच्छे से करूँगी इसको मिक्स, और बस इसमें मैं 1 से 2 सीटी लगवाऊंगी। खुली नहीं बना रही हूँ, जल्दी बन जाएगी कुकर में, इसलिए बना रही हूँ। 2 सीटी इसमें मैं लगवाऊंगी, पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं ऐड होता है, ऐसे ही। ये देखो सबसे पहले तो अंश के नेल्स अच्छी। हाँ अब ठीक है, ये कुंडे इसने निकाल ले हैं पुराने, और ये नए लगाए, ये नए हैं, ये लेके आए थे। देखो अंश ने कुंडे चेंज कर दिए, ये कुंडे हमारे कब के टूट रहे थे, एक एक टूट रहा था, और ये इसने कर दिए चेंज, दोनों के कर दिए। अंश काफ़ी काम करा है इसको, देखो देखो ये लिए बैठा पुराने, और ये लास्ट के नहीं नहीं आई, ये लास्ट के भी बोल रहा कि इसको भी कर दो, मैंने इसको मत कर, चिमनी चल रही है, आवाज़ आ रही होगी। ये तो ठीक लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा वैसे। बस ये है कि उसमें बीच में ना छोटा होल था, मतलब वो लाइन सी बनी हुई थी, इनमें आनी है प्लेन है, इतने तो होने ही चाहिए मजबूत से, वो पतले लगा रखे हैं ज़्यादा कारपेंटर ने, तो ये दोनों साइड लगा दिए। तो ये देखिए जी, सब्जी हमारी फर्स्ट क्लास बन गई है, टेस्टी दिख रही है, और दिख नहीं रही है, बहुत टेस्टी बनी थी शुरू के दिन। और बहुत ज़्यादा भी मैंने नहीं बनाई थी, थोड़ी सी सब्जी बनाई थी, तो फ्रेश धनिया कट करके डाल देती हूँ, जो कि आजकल भरमार है धनिया की। और गर्मी के सीज़न में धनिया ढूंढा भी नहीं मिलता, ढूंढने से भी कहीं भी। तो ये देखिए बिना पानी के इतनी टेस्टी सब्जी ये बनती है, और बिल्कुल अच्छी बनी है, कोई इसमें पानी भी नहीं है कि इसको जलाना सुखाना पड़ेगा, एकदम बढ़िया सब्जी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसको जो है आँच जला दी है, थोड़ा सा इसको भून लूँगी। और ये टाइम है जब सारा काम हो चुका है किचन साफ़ करने की, किचन क्लीन करने की, जिसमें बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। बस किचन क्लीन करती हूँ फटाफट से, और फिर हो जाती हूँ रेडी। हाँ जी, अब सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं हो गई हूँ रेडी। मौसम कभी कभी बादल हो रहे हैं, कभी कभी हो रही है धूप, इस तरीके का हो रहा है मौसम। ये देखिए अब बादल आ गए, अभी अभी हो रही थी धूप, और यहाँ पे मशीन की आवाज़ आ रही होगी, मशीन मेरी लगी हुई है। काम सारा ख़त्म हो चुका है बाहर तक, पूरा अच्छे से ओछा ओछा सब हो गया है कंप्लीट। सारा काम करके अब जाके रेडी हुई हूँ। आज लेट हुआ है काम, क्योंकि आज लेट ही लेट हो रहा था सुबह से ही, और अब मैं दोपहर में ही जा रही हूँ एक बार। मैं जाऊँगी शॉप पे, हवा चल रही है वैसे तो। कपड़े मैंने ढेर सारे सुखा रखे हैं, तो ये कपड़े सूख जाएंगे, इनको मैं उतार लूँगी। देखो अब फिर धूप आ गई, कभी बादल आ रहा है कभी धूप आ रही है, और देखिए मैंने कैसे कैसे रस्सी बांधी हुई है ऊपर, क्योंकि नीचे तो धूप आजकल आती ही नहीं है। और बेडशीट भी पीछे मैंने सुखाई हुई है, तो अच्छे सूख जाते हैं यहाँ पे कपड़े। बस ये है कि थोड़ा सा ऊपर डाल के मतलब ऊपर चढ़ के डालने पड़ते हैं, फोल्डिंग पे चढ़ के डालती हूँ, वैसे हाथ नहीं जाता। देखो हवा कितनी तेज़ चल रही, तो ये अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे, और मैं करीब आऊँगी 1.5-2 घंटे में, तब आके इनको सुखाऊँगी। अब मैं चल रही हूँ, और सोचा कल से मेरी वीडियो चली आ रही है, कल कुछ नहीं हुआ, कल तो जो है पूरा दिन बच्चों ने ही किया, तो आज ढेर सारा काम भी था, और फिर जो है थकान होती है तो लेट भी हुआ था, कल की थकान फिर लेट तो होना ही था, और काम था ढेर सारा। लेकिन काम सारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, और बस अब चलती हूँ, वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है, वीडियो वगैरह करूँगी। तो सोचा चलिए कर लेते हैं इस वीडियो का एंड, अंदर जाके करते हैं हम एंड। यहाँ पे आ रही है बहुत तेज़ मशीन की आवाज़, कपड़े हो रहे हैं ड्रायर।
तो बस अब मैं चलूँगी शॉप पे, और इससे पहले कर लेते हैं इस वीडियो का एंड। कल से चली आ रही है वीडियो। पीछे क्या गिरा अंश? कुछ गिरा हवाई। अंश आ गया है मुझे लेने के लिए। अंश ने शॉप खोल ली थी पहले ही। मैं आज लेट ही जाऊंगी, मतलब अब अपने काम से जा रही हूँ। वैसे अब दोपहर में तो हम बढ़ा देते हैं 2-3 घंटे के लिए, लेकिन मैं उस टाइम में अपनी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और थोड़ा सा वूलन का कलेक्शन है तो वो सिंगवाना भी पड़ता है, लगाना भी पड़ता है, तो बस ये सब तामझाम चला हुआ है। श्रेय तो वही आएगा अपना रात को ही, मतलब शाम को 6 बजे। तो चलिए जी, कल से वीडियो चली आ रही थी, हालांकि वो ज़्यादा शेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी जो था वीडियो में, कुछ भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।